एनटीए द्वारा जेईई मेन का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। मैट्रिक्स के विद्यार्थियों ने इस परिणाम में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए संख्यात्मक के साथ साथ गुणात्मक रूप से भी ऐसा परिणाम दिया है जो न सिर्फ गौरवान्वित करने वाला है बल्कि नई कीर्तिमान और प्रतिमान स्थापित करने वाला है। मैट्रिक्स ने अपनी इस सफलता को छात्रों के साथ केक काटकर सेलिब्रेट किया। उल्लेखनीय है कि मैट्रिक्स के 3 वर्ष से क्लासरूम स्टूडेंट रहे मयंक सोनी ने 100% पाकर संयुक्त रूप से पूरे देश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। मयंक ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी कड़ी मेहनत और मैट्रिक्स के टीचिंग मेथड और उनकी मेहनत को दिया है। हाँ मयंक, बताएं क्या परसेंटाइल है? 100% ओवरऑल। किस तरह से मेहनत की आपने इसके लिए? जो टीचर्स जो कहते थे वो मानते थे और जो उम्र देते थे वो करते थे। टीचर्स ने किस तरह से मेहनत करवाई आप लोगों को? टीचर्स को पहले पता था क्या करने से क्या हो सकता है तो उस हिसाब से उन्होंने कराई थी। कितने घंटे स्टडी चल रही थी आपकी? 5-6 घंटे। मोबाइल पढ़ने के काम में लेता था, वैसे सोशल मीडिया नहीं चलता। इसके साथ ही मोहित मोदी ने 99.98, अमन नेहरा ने 99.97, आतिश ने 99.95 और अनुपम जाखड़ ने 99.95 परसेंटाइल से ऊपर प्राप्त कर शानदार सफलता पाई है। गौरतलब है कि ये छात्र मैट्रिक्स के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट हैं और इन्होंने यह सफलता 12वीं के साथ प्राप्त की है। मैट्रिक्स के निदेशक अनिल गोरा ने बताया कि छात्र अमन नेहरा ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100% पाए हैं। साथ ही समग्र परिणाम के रूप में 24 छात्रों ने 99.50% से ऊपर और 60 छात्रों ने 99% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं जो अपने आप में एक अद्वितीय परिणाम है। इस शानदार सफलता और परिणाम के लिए मैट्रिक्स के निदेशक नरेंद्र कोक ने मैट्रिक्स की संपूर्ण टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी शिक्षकों की अथक मेहनत से ही ऐसे परिणाम संभव हो सकते हैं। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में मैट्रिक्स के राजेंद्र बोर्डक ने आगे भी इसी भांति श्रेष्ठ परिणाम देने की बात कही। इस मौके पर स्टाफ सदस्य अग्रवाल, विष्णु पारिक सहित अनेक सदस्य मौजूद रहे। आज किस तरह का रिजल्ट आया है बच्चों का परिणाम? अभी जो जेईई मेन 2023 के सेशन 1 का परिणाम एनटीए ने घोषित किया है और इसमें मैट्रिक्स के 3 वर्षों से क्लासरूम स्टूडेंट रहे मयंक सोनी ने 100% प्राप्त किया ओवरऑल, और उसने ऑल इंडिया लेवल पे जो एनटीए ने 20 स्टूडेंट्स ने 100% प्राप्त किया उनमें से वो एक स्टूडेंट है। इसके अलावा 12th के साथ ही हमारे 4 बच्चे और हैं जिन्होंने 99.95 से अबव जो है वो परसेंटाइल प्राप्त किया है, जिसमें मोहित मोदी है जिसने 99.98, अमन नेहरा है जिसने 99.97, और अमन नेहरा ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जो है वो 100% प्राप्त किया है। इसके अलावा जो आतिश है उसने 99.95 और एक अनुपम जाखड़ है जिसने 99.95% प्राप्त किया है। टोटल 99% से अबाउ 60 स्टूडेंट्स हैं और 99.5 से अबाउ जो 24 स्टूडेंट्स हैं। शेखावटी का ये पहला स्टूडेंट है जिसने? नहीं, शेखावटी में जो है उससे पहले भी 100% कुछ स्टूडेंट्स ने प्राप्त किए हैं। इस सेशन में जो है वो शेखावटी से 2 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 100% प्राप्त किए हैं, बट ये जो स्टूडेंट है मैंग, इसके जो मार्क्स हैं वो उस स्टूडेंट से ज़्यादा हैं। इसके जो मार्क्स हैं वो 295 हैं आउट ऑफ 300।